भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर जयराम सरकार ने बहुत सारे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जैसे कि पिछले कल पूरे प्रदेश को लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू जारी कर दिया गया। ये सारे कदम प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन जरूर लगाया गया था, लेकिन लोगों की असावधानी के कारण प्रदेश में आवागमन जारी था, जिस कारण अब प्रदेश सरकार को पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये कर्फ्यू हिमाचल प्रदेश की जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लगाया गया है। ये कदम आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए है। डॉक्टर बिंदल ने आग्रह किया कि हम अनुशासन में रहते हुए संयम रखते हुए और कर्फ्यू का अनुपालन करें। विश्व भर में फैले हुए कोरोना वायरस के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश ने अनेक प्रकार के एहतियाती कदम उठाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में पिछले कल लॉकडाउन डिक्लेयर किया, परंतु अनेक लोगों की असावधानी के कारण आवागमन जारी रहा, जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश की जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में कर्फ्यू लगाया गया है। यह आपकी हमारी सबकी सुरक्षा के लिए कर्फ्यू लगाया है। मेरा सभी से आग्रह है, हम अनुशासन में रहते हुए, संयम में रहते हुए और कर्फ्यू की अनुपालना करें, ताकि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। धन्यवाद।